अस्सलाम वालेकुम और टेक स्टोर देखने का शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम यासीन है और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इसके बारे में। ये है इन्फिनिक्स का न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले, और आज हम बात करेंगे इस डिवाइस के बारे में। ये हाल ही में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है 16,000 की प्राइस रेंज में 2GB और 32GB के स्टोरेज के साथ। तो मैं इस फ़ोन को करूँगा अनबॉक्स और देखेंगे कि हमें इस बॉक्स में क्या कंटेंट्स मिलते हैं। उसके बाद हम अपने फ़ोन को करेंगे सेटअप और देखेंगे कि इसमें हमें क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, देन सेटअप करते हैं फ़ोन को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। यहाँ में मिलता है एक चार्जर, उसके साथ मिलता है एक चार्जिंग पिन, एक फ़ोन। तो ये थे ओवरऑल बॉक्स के कंटेंट्स, और अब मैं फ़ोन को सेटअप करके आपके साथ शेयर करूँगा इस फ़ोन के अंदर का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग और स्टार्ट लेते हैं इसकी डिज़ाइन से। डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पर बैक प्लास्टिक की बनाई गई है, एक कर्व टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है, कलर दिया गया है अच्छा ब्लूइश टाइप कलर है, और एक अट्रैक्टिव फील आती है इसको देखकर। उसके अलावा यहाँ पर दो कैमराज दिए गए हैं जो कि ड्यूल पिक्सल्स है। इनके अलावा एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने के बटन है, और पावर ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो यहाँ पर दिया गया है 3.5mm का जैक, एक चार्जिंग पोर्ट, और उसके अलावा स्पीकर ग्रिल जो दिया गया है वो ऊपर कैमरा के ऊपर दिया गया है फ्रंट की साइड पर। लेफ्ट साइड पर दिए गए हैं सिम स्लॉट, जहाँ पर आप दो सिम और एक 256GB का माइक्रो SD कार्ड तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन के लिहाज से फ़ोन अच्छा है। अगर आप फ़ोन हाथों में उठाते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी फील आती है, और 16,000 की प्राइस रेंज में इसका ये डिज़ाइन होना और प्लास्टिक की बैक होना ये एक आम सी बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको यही बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। और दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.83 इंचेस का IPS LCD पैनल, जिसकी रेजोल्यूशन है 720x1640, और पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो वो है 263 PPI। उसके अलावा यहाँ पर आपको बेजल्स कम देखने को मिलते हैं, ऊपर की तरफ एक वाटर ड्रॉप नोच दी गई है और नीचे की चिन थोड़ी मोटी बनाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर स्पीकर्स भी आपको ऊपर ही वाटर ड्रॉप नोच के ऊपर ही देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर जो डिज़ाइन है फ्रंट का ये अच्छा बनाया गया है। और अगर मैं कलर क्वालिटी की बात करूँ डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको कलर्स भी 720p पे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। कलर्स क्वालिटी इसकी अच्छी है, और इस प्राइस रेंज के लिहाज से ये कलर क्वालिटी होना सही है। मतलब इस 16,000 की प्राइस में ये डिस्प्ले आपको अमूमन देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर ग्लास का यूज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी फ़ोन के ऊपर अप्लाई करके दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्लास का वर्जन है ये नहीं बताया गया। और अब अगर मैं बात करूँ फ़ोन को धूप में यूज़ करने की तो यहाँ पर नॉर्मली आप ब्राइटनेस फुल करके अपने फ़ोन को धूप में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ किसी तरह की कोई आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल प्राइस के लिहाज से डिस्प्ले भी सही बनाया गया है। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के कैमराज के बारे में तो यहाँ पर बैक पर आपको 13MP का AI ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है, जबकि फ्रंट पर आपको मिलता है 8MP का वाइड एंगल कैमरा। और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1080p 30fps पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ इस फ़ोन के कैमरा सिंपल शेयर कर रहा हूँ, तो फ्रंट के कैमरा को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर सही देखने को मिल जाती है। जबकि बैक के कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको कलर क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, और पिक्चर आप खींच कर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल फ़ोन के लिहाज से ये कैमरा सही वर्क करता है, और इस प्राइस रेंज के लिहाज से भी इसका कैमरा सही है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Helio A25 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जबकि पावर VR8320 का GPU दिया गया है। दोस्तों, जो प्रोसेसर है वो 12nm पर बेस्ड है, और उसके अलावा ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ शिप होता है, जिसमें इन्फिनिक्स की अपनी UI लगी हुई है। इन सब स्पेसिफिकेशंस के साथ फ़ोन डेली डे चलने में अच्छा है। यहाँ पर एप्स आपको रिस्पॉन्सिव मिल जाती है, एप्स अच्छा ओपन होती हैं और स्मूथ वर्क करती हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह का लेग डेली डे यूजेज इंटरनेट वगैरह के लिहाज से देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप PUBG प्ले कर सकते हैं, वो भी मीडियम सेटिंग पर, लेकिन हाँ, यहाँ पर लेग आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अब अगर मैं बेंचमार्क स्कोर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एंटूटू स्कोर इसका आया है 80150, और अगर Geekbench स्कोर्स की बात की जाए तो यहाँ सिंगल कोर स्कोर 144 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 503 आया। दोस्तों, इन तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ इनके ये स्कोर सही आए हैं, और इस प्रोसेसर वगैरह के साथ ऐसे ही स्कोर देखने को मिलेंगे, और इस प्राइस में यही स्कोर्स आते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से भी फ़ोन सही है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए फ़ोन अच्छा वर्क करेगा। अब मैं आता हूँ बैटरी पर।
बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बड़ी 6000 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये बैटरी कम से कम 2 या 2.5 दिन चल जाएगी, और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो 2 दिन तो एटलीस्ट ये आराम से निकाल ही लेगी। दोस्तों, फ़ोन की बैटरी बड़ी है तो इस वजह से फ़ोन का वज़न भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इस स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से ये बैटरी अच्छा वर्क करेगी और आप गेमिंग में भी अच्छा टाइम हासिल कर पाएंगे इस बैटरी का। तो दोस्तों, लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 16000 की प्राइस रेंज में ये फ़ोन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि ज़्यादा हेवी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते फ़ोन से, और डेली डे यूजेज के लिए उन्हें एक फ़ोन चाहिए। तो इस फ़ोन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और एक खूबसूरत डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। तो बस यही थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।